हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग फिजिक्स की तरफ चलते हैं। और पिछले क्लास में बिहार बोर्ड के लिए दो स्पेशल क्वेश्चंस जैसे मोटर और ओम का नियम प्रयोगशाला में सत्यापन हम लोगों ने पढ़ा था, और आज एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाए। यह एक बहुत ही आसान है अगर देखा जाए तो। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, समानांतर क्रम का मतलब क्या होता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देखें, और ऐसे भी इस वीडियो को देखिएगा तो कंफर्म हो ही जाएगा। श्रेणी प्रतिरोधकों का हम लोग को पढ़ना है, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। मान लिया जाए कि तीन प्रतिरोधक दिए गए हैं, जैसे कि एक जिसका प्रतिरोध कितना है R1 है, दूसरा प्रतिरोधक दिया गया है जिसका प्रतिरोध कितना है R2 है, तीसरा दिया गया है जिसका प्रतिरोध R3 है। तीनों को जो है आप देख पा रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोधकों को जोड़ दिया गया है। इन प्रतिरोधकों के संयोजन के साथ जो है एक सेल को जोड़ दिया जाए, एक सेल को जोड़ दिया गया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि यह जो मान लेते हैं इसका विभवांतर कितना है भी है, फिर से एक बार देखते हैं। मान लिया जाए कि R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधक हैं, तीनों प्रतिरोधकों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, फिर यहाँ पे एक सेल को जोड़ा गया V वोल्ट के विभवांतर वाले, और फिर यह जो है I धारा भेज रहा है, यह परिपथ में जो है वह क्या भेज रहा है I धारा भेज रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने श्रेणी क्रम एक बार बताया था कि यह जो I धारा है ना प्रत्येक प्रतिरोधक से एक समान धारा बहेगा, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा I। यह जो सेल है अगर यह I धारा भेज रहा है तो प्रत्येक प्रतिरोधक से I धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। लेकिन इनका विभवांतर जो होगा ना वह अलग अलग होगा, जैसे इनका विभवांतर V1 हो गया, इनका विभवांतर जो है V2 हो गया, फिर इनका विभवांतर V3 हो गया। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए, लिखेंगे कि माना कि R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन के साथ एक V वोल्ट के बैटरी को जोड़ा गया है, यह V वोल्ट का बैटरी जो है वह परिपथ में I धारा भेज रहा है। श्रेणी क्रम का यह गुण होता है कि प्रत्येक प्रतिरोधक में जो है प्रवाही धारा का मान समान होता है, परंतु उनके बीच का विभवांतर क्या होता है अलग अलग होता है, बीच का विभवांतर अलग अलग होगा। अर्थात क्या, अर्थात यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं यह जो V वोल्टेज है यह जो है ये तीनों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस में V3 हो जाएगा। फिर हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर होता है IR होता है, तो V बराबर होता है IR। लेकिन चूंकि V1 किसका विभवांतर है, जिसका प्रतिरोधक R नहीं क्या है R1 है, फिर उसी प्रकार V2 निकालना है, तो यह हो जाएगा I, धारा इसमें कितना पर है I, और इसका प्रतिरोधक है, इसका प्रतिरोध है R2, फिर इसका क्या हो जाएगा IR3। तो V बराबर हम लोगों ने क्या देखा कि V बराबर हो जा रहा है IR1, IR2, IR3 हो जा रहा है। फिर यहाँ देखिए, इसमें से हम I कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यह R1 हो जाएगा, यह R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, V और यह बटा में हो जाएगा I, यह होगा R1 जो R2 जोर R3 हो गया, यह क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, तीन प्रतिरोधक ले आ गया जिसका प्रतिरोध कितना है R1, R2, R3, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, फिर V वोल्ट का एक सेल लिया गया, और यह जो है V वोल्ट का सेल जो है वह इसे भेज रहा है I धारा भेज रहा है। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक से धारा का मान समान होता है, इनके विभवांतर अलग अलग होता है, इनमें धारा आई ही पर है लेकिन इनके बीच का विभवांतर V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि जितना विभवांतर इसका होगा, उतना ही विभवांतर इन तीनों के योग के बराबर होगा, अर्थात V बराबर V1, यहाँ है V1, V2, V3 है, तो यह हो जाएगा V1 का मतलब V बराबर होता है IR, तो I, लेकिन R की जगह क्या है R1 है, यहाँ देख सकते हो क्या है R1 है। फिर यहाँ अगर इसके बारे में लिखेंगे V2 के बारे में तो यह I धारा पर रहेगा IR2, फिर इसका क्या होगा V3 के बारे में IR3, ये तीनों में से I कॉमन निकाल दीजिए, गुणा में है तो भाग में चला गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए,
तीनों प्रतिरोधकों के बदले एक समतुल्य प्रतिरोधक लेते हैं। जो तीनों प्रतिरोधक है ना, इसको हटाकर एक ऐसा प्रतिरोधक लेते हैं, एक ऐसा प्रतिरोधक लेते हैं जिसको इन तीनों को अगर हटा भी दिया जाए और परिपथ में जब लगाएंगे तो धारा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात हम एक समतुल्य प्रतिरोधक को लेते हैं। अब क्या करते हैं कि तीनों प्रतिरोधक को हटा देते हैं और एक समतुल्य प्रतिरोधक को लेते हैं। इस समतुल्य प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है मान लिया जाए कितना है, आरई क्यू है। अब पुनः इसे उसी सेल या बैटरी के साथ जोड़ा गया, वी वोल्ट का है, फिर एक आई धारा भेजेगा तो यहां से क्या होगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से वी बराबर हो जाएगा आई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वी बटा या गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा आर ई क्यू। इक्वेशन दो हो गया। फिर इक्वेशन एक और दो से अगर हम चलते हैं, इक्वेशन एक तथा इक्वेशन दो से अगर चलते हैं तो अब देख पाएंगे, यहां देखिए यहां भी बटा आई है इक्वेशन एक में और यहां पे भी बटा आई है, तो यह एलएचएस एलएचएस जो बराबर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, दोनों का आरएचएस बराबर, इसका आरएचएस क्या है आर ई क्यू है, इसका आरएचएस कितना है आर वन आर टू आर थ्री है, तो क्या हो जाएगा आर वन जोर आर टू जोर आर थ्री, और यह जो है श्रेणी क्रम का व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम का व्यंजक हुआ। अगर आप भाषा लिखना चाहते हैं तो शुरुआत में ऐसे लिखेंगे कि माना कि तीन प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R1, R2, R3 है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन के साथ भी वोल्ट की एक बैटरी को जोड़ा गया है जो कि परिपथ में आई धारा भेज रही है। फिर आप फिगर ड्रॉ करके, फिगर ऐसा ड्रॉ कर लीजिएगा और ड्रॉ करके जो मैथमेटिक्स जो बनाया गया उसको आप उतार दीजिएगा, तो यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इस पर आपको बोर्ड परीक्षा में इस टाइप के सवाल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने इस तथ्य को समझा होगा। वीडियो को थोड़ा सा पोस्ट करके आप आराम से उतार सकते हो और एक बार एक से दो बार समझ लोगे तो यह क्लियर हो जाएगा। यह 10th और 12th दोनों के लिए अनिवार्य है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो के लिए, वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।